मॉर्निंग गाइस। तो सबसे पहले हानी और अनफाल को छोड़कर आपका भाई अब जो है घरेलू काम करने वाला है। और घरेलू काम में सबसे पहले मैंने आज का जो काम करना है वो क्या है, वो है भाई साहब पर्दे। पर्दे उतारे हुए थे, घर की थोड़ी सफाइयाँ हो रही थी, तो पर्दे लगाऊंगा। और पर्दों का जुगाड़ बहुत जल्दी करना है, और इसके बाद फ्री होकर फिर आपसे मिलते हैं। तो पर्दे भाई मैंने कुछ उतारे हुए थे, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये हैं पर्दे, और पर्दे सारे के सारे उतरे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और वो ऊपर मेरी लाइफ जैकेट पड़ी है, वो मेरा गिम्बल पड़ा हुआ है, और ये अनियान फाल के जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो पड़ा हुआ है। तो ये हाँ मेरा रूम है। और अब यार पर्दे लगाते हैं, पर्दे पर्दे लगाते हैं, पर्दे पर्दे लगाने के लिए ये मैंने सिंपल जुगाड़ कर रखा है। यहाँ से इसे उतार लिया था, अब मैंने इसे लगाया, और इसके अंदर डाल के ये जो पूल है ये लगा दूंगा इस साइड पे। तो जल्दी से ये लगा देता हूँ, इसके बाद मिलते हैं। दो पर्दे लगा दिए, ये और दो रह चुके हैं, एक ये और एक इस दरवाजे, तो वो भी मैं लगा देता हूँ। पर्दे लग चुके हैं, और अब पंखा साफ करते हैं। पर्दे सारे लग चुके हैं, अब इस पंखे की बारी है। देखो कितना गंदा हो रहा है, इसको भी चमका के रख देते हैं, इसको भी चमकाते हैं। और भाई जुगाड़ी बंदे को जुगाड़ में ही सारा दिन लगा के रखते हैं, काम घर का यार नहीं छोड़ता। घर से दूर रहो, घर में नहीं रहना यार। और ये हमारा फैन बिल्कुल साफ हो चुका है, और शाइनिंग आप चेक कर सकते हैं, पहले और अब दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई अब बारी है, पसीना निकल आया, अब बारी है सोफों की। और ये भाई साहब बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवा रहे, बस मोबाइल में 24 घंटे मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल, लेकिन भाई साहब हेल्प नहीं करवा रहे, खुद ही को सब कुछ करना पड़ रहा है। और अब सोफों के कवर ये कुछ इस तरीके के हैं, ये इस पे चढ़ाएंगे और इसके बाद उन दोनों पे चढ़ाएंगे, और इसके बाद कुछ और काम पे शुरू हो जाएंगे। अरे यार ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, ये देखो अब किस साइड से कैसे लगना है यही समझ नहीं आती यार, लेकिन करना तो है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे। ये काम तो हो गया, और अब बच्चों को लेने चलते हैं और इसका कवर बाद में चढ़ाएंगे वापसी पे। वो हानिया आ गई है जी। हाँ निकल आई है।
सबसे पहले एक बलून हमारा फूल चुका है, इसे लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनाएंगे। ये देखो पूरा पूरा है। कुछ इस तरीके से हमने करना है। इसके बाद अब बाकी नीचे बाकी बैलून फुलाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये इसको बचा पाएंगे या नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और पानी भी काफी ज्यादा गहरा है, और पानी भी भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा है, 30 फीट तक गहरा पानी है यहाँ पे। वाओ व्हाइट बलून। नो ब्लैक वाला कौन लेगा? ओके पिंक कलर माय फेवरेट। तो फट भी सकते हैं, पहले आराम से जाना है। गाइस यहाँ पर जो गहराई है वो इतनी ज्यादा गहराई है कि मैं आपको बता नहीं सकता, तकरीबन 30 से 40 फीट की गहराई है। और छोटू को थोड़ा बहुत तैरना आता है, हम इसको दूर। और मुझे पानी से डर भी नहीं लगता, और इसको पानी से डर भी नहीं लगता। चलो आराम से जाओ। ये तो तैर रहा है भाई, ये देखो मेरे हाथ ऊपर है। आ गया। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं हो रहा छोटू को। छोटू टांगे ऊपर करके दिखाओ यार, एक मिनट। वाओ काम कर रहा है, लेकिन आप कभी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना भाई। वो देखो एक और आ गया। मारो दोनों सरवाइव कर रहे हैं। इसका एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट है, जंप लगाएगा और इसके बाद देखते हैं कि ये भाई साहब फटता है या नहीं फटता। सारे एकदम जंप लगा दो भाई। तो गाइस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दोनों नहा के बिल्कुल थक चुके हैं, और आज काफी ज्यादा मजा आया इनको। हाँ भाई थके हो? बहुत थके हैं। अब क्या कर रहे हो? पबजी खेल रहे हो? पबजी के चक्कर में लगे हुए कैमरा टेस्ट कर रहे हैं। और भाई बिल्कुल ये थक चुके हैं, देखो रात हो चुकी है, और अब आपसे कल मिलते हैं।